राजस्थान में आज से रेड अलर्ट शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले दिन तक प्रदेश में सरकार के द्वारा घोषित जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत आम जनता ने चौकसी बरतने में काफी कोताही बरती है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में कोरोना महामारी का कब्जा होने लगा है। लगभग देश का 30% नागरिक संक्रमित हो चुका है, लेकिन फिर भी विभिन्न कारणों के चलते गाइडलाइन की ठीक से पालना नहीं हो पा रही है, जिसके कारण राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अब इस रेड अलर्ट के दौरान बेवजह घूमने वाले क्वारंटीन होना पड़ेगा। निजी वाहनों से बेवजह यात्राओं पर रोक है। सरकार द्वारा चालान की राशि भी बढ़ोतरी कर दी गई है। शादियों में आने वाले लोगों की सीमा मात्र 31 मेहमान तक सीमित रह गई है। वह नाम भी आपको जिला प्रशासन में दर्ज कराने होंगे जो आपके मेहमान बनेंगे। अगर बताए गए नामों से ज़्यादा अगर शादी में कोई मिलता है तो फिर अब 1,00,000 जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के चलते अब सरकार ने जिले की सीमाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और आने जाने वाले वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। संतुष्ट होने पर उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है, अन्यथा जिले की सीमा पर आने के बाद भी वाहन वापस लौटाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन चाक चौबंद है और बेवजह आने जाने वालों पर लगाम भी लगना शुरू हो गई है। ये रेड अलर्ट जन आदरण श्रीमान मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया है, जिसमें जिले की बॉर्डर सीमा सील की हुई है, जिसमें आवश्यक साधनों व बीमार अति आवश्यक वाहनों को ही जाने दिया। बाकी जो वाहन आते हैं उनको चेक करके वापस रवाना किया जा रहा है और जो गलती डिस्टेंस होता है उनका चालान बढ़ाया जा रहा है। किस तरह से आवाजाही कम हो रही है, ज़्यादा क्या है? सुबह आए उस टाइम 8:30 में कुछ वाहन ज़्यादा थे, लेकिन वापस रिटर्न किए श्रीमान SSO साहब अमित जी बरसरा द्वारा और हम द्वारा सख्ताई ली गई तो वापस रिटर्न कर दिए तो वाहन कम हो गए। तो लोगों को भी समझाइश की जा रही है कि भाई किस तरह से लोगों को समझाइश की, अपने घरों में रहे, कम से कम बाजारों में घूमें और डिस्टेंस कम से ज़्यादा मास्क लगाएं।